सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रो एक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 11 को लेकर के, कि एंड्रॉइड 11 के अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जब हमें इसी की कुछ बीटा टेस्टिंग देखने को मिल रही थी, यानी कि ये शुरुआती फेज के अंदर था, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। और वहां पर हमने डिटेल से बात करी थी इसी एंड्रॉइड 11 की। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि सिर्फ फीचर्स के ऊपर बात करने वाले हैं इसी एंड्रॉइड 11 के अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, ये सारी बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो कि हमें बिल्कुल नया फीचर देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 के अंदर, वो हमें एक हिडन रिसाइकल बिन देखने को मिलेगा, यानी कि जब हम अपनी फोटोज को डिलीट कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड की, तो उसके अंदर हमें फोटोज डायरेक्टली डिलीट देखने को मिलती है, यानी कि कहीं पर भी स्टोर नहीं होती है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन कंपनीज की जिसके साथ में हमें यूआई देखने को मिलती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं रियलमी यूआई की या फिर कलर ओएस की या फिर फनटच ओएस की, तो इन सभी के अंदर हमें अलग से रिसाइकल बिन देखने को मिलता है। तो अब उन्हीं यूआई के जैसा हमें रिसाइकल बिन देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 1 या फिर कहा जाए तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसे नेटिव एक्सपीरियंस के साथ में। और इसी नए फीचर की मदद से जैसे ही हम अपनी फोटोज को डिलीट करते हैं गैलरी से, तो वो रिसाइकल बिन के अंदर मूव हो जाएगी और ये हमें अप टू 30 डेज तक वहां पर देखने को मिल सकती है, और उसके बाद परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं अगले नए फीचर की जो हमें देखने को मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर या फिर कहा जाए तो एंड्रॉइड 1 के अंदर, यानी कि नेटिव एक्सपीरियंस के साथ में हमें क्या नया फीचर देखने को मिलेगा, तो अब से हमें नेटिवली स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी हमें कई सारे स्मार्टफोन्स के अंदर जहां पर हमें कंपनी के खुद के यूआई देखने को मिलते हैं, वहां पर हमें पहले से स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता है, लेकिन अब से ये हमें एंड्रॉइड के नेटिव एक्सपीरियंस के साथ में भी देखने को मिलेगा, यानी कि हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड्रॉइड 1 वाले स्मार्टफोन्स के अंदर या फिर कहा जाए तो स्टॉक एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन्स के साथ में। और अगर हम बात करते हैं अगले नए फीचर की, तो ये हमें म्यूट नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। और अगर हम इसी फीचर के नाम की बात करते हैं, तो प्रॉपर नाम जो हमें इसी फीचर का देखने को मिल रहा है वो हमें म्यूटिंग नोटिफिकेशन ड्यूरिंग वीडियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पर आज के दिन में हमें, यानी कि एंड्रॉइड 10 के साथ में या फिर उससे पुराने जितने भी एंड्रॉइड वर्जन है उन सभी के अंदर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, यानी कि एक नोटिफिकेशन पॉप अप करके आती है जब भी हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसा आपसे हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी, जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी उन सभी को म्यूट किया जाएगा। और इसी के साथ में नजर डालते हैं हम एंड्रॉइड 11 के नए फीचर के ऊपर, जो कि हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज टच सेंसिटिविटी, यानी कि जो टच सेंसिटिविटी है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, और ये उन सभी के लिए और ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है और ज्यादा अच्छी होने वाली है जो कि स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं। और जो भी स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं उन सभी को ये फीचर काफी पसंद आने वाला है। और गूगल ने इसी फीचर को और ज्यादा पोर्टेबल बनाया है और इसी को ऐड किया है, यानी कि इसी टच सेंसिटिव फीचर को ऐड किया है सेटिंग मेन्यू के अंदर, और वहां पर जाकर के आप बड़ी ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से इसी टच सेंसिटिविटी को। और अगर हम बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग नए फीचर की, जो कि हमें देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यानी कि अगर हम अपनी नोटिफिकेशंस को डिसमिस कर देते हैं या फिर हटा देते हैं गलती से, तो वो भी हम अब से देख पाएंगे अपनी नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाकर के, यानी कि जितनी भी नोटिफिकेशन जो हमने क्लियर कर दी है अगर गलती से, तो हम बड़े ही आसान तरीके से नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाकर के उस भी नोटिफिकेशंस को देख पाएंगे या फिर कहा जाए तो उस नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। और यही नोटिफिकेशन हिस्ट्री फीचर एंड्रॉइड 11 का काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हम गलती से डिसमिस कर देते हैं उसको भी हम जाकर के देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर। और जो अगला नया फीचर है वो प्राइवेसी को थोड़ा ध्यान में रख करके बनाया गया है। और अगर हम बात करते हैं इसी नए फीचर की, तो ये हमें एंड्रॉइड 11 के अंदर ऑटो रिवोक ऐप परमिशन के नाम से देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑटो रिवोक की बात करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली रिवोक करना या फिर वापस लेना ऐप परमिशंस को, और ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 के अंदर, यानी कि ऐसी ऐप्स जो कि हम काफी लंबे टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी ऐप है जो कि आप पिछले एक डेढ़ महीने से यूज नहीं कर रहे हैं,
तो उस ऐप के रिगार्डिंग जितनी भी परमिशंस है, चाहे वो लोकेशन की परमिशन हो गई, ब्लूटूथ, वाईफाई, कॉन्टैक्ट्स, किसी से भी रिलेटेड परमिशन हो गई, एंड्रॉइड 11 उसको ऑटोमेटिकली रिवोक करने वाला है, यानी कि उन सभी परमिशंस को ऑटोमेटिकली वापस लेने वाला है, जिससे कि मिसयूज कम होगा और हमारी प्राइवेसी और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इस सेटिंग को भी हम अपने हिसाब से टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक महीने बाद मैं एक्टिवली यूज करूंगा किसी भी एप्लीकेशंस को, तो आप बड़े ही आसान तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं नए फीचर की, तो वो हमें रिवैम्प्ड पावर मेन्यू देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 के अंदर, जिसके अंदर हमें कई सारे नए फंक्शंस देखने को मिलेंगे, या फिर कहा जाए तो कई सारे हमें नए शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे इसी नए फीचर के साथ में। और इसी नए फीचर के साथ में, या फिर कहा जाए तो रिवैम्प्ड पावर मेन्यू के साथ में, हमें क्विक एसेस मिलने वाला है स्मार्ट होम कंट्रोल का, गूगल वॉलेट्स का, या फिर कहा जाए तो गूगल कार्ड्स का, और साथ ही में ऑब्वियसली हमें मिलने वाला है पावर ऑफ का भी ऑप्शन। और अगर हम बात करते हैं अगले नए फीचर की जो हमें एंड्रॉइड 11 के अंदर देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा मीडिया प्लेयर हेड नोटिफिकेशंस के अंदर, यानी कि नोटिफिकेशंस के ऊपर हम अपने मीडिया प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फीचर हमें काफी पहले से देखने को मिल रहा है iOS डिवाइसेस के अंदर, और अब ये हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 के साथ में एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर। और यही फीचर काफी पोर्टेबल होने वाला है और म्यूजिक लवर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे हमें नोटिफिकेशन शेड के अंदर ही अपने मीडिया प्लेयर के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं नए फीचर की, तो ये हमें देखने को मिलेगा अनडूइंग रिसेंट क्लियर्ड ऐप, यानी कि ऐसी ऐप जो कि हमें रिसेंट के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि रिसेंटली हमें रिसेंट से उन्हीं ऐप को रिमूव किया है, यानी कि ऐसी ऐप जो हमारी रिसेंट के अंदर पहले अवेलेबल थी और अब हमने उसको क्लियर कर दिया, तो उसको भी हम इजिली अनडू कर सकते हैं और वो हमें दोबारा से रिसेंट में देखने को मिल सकती है। और इसी नए फीचर को हम इंजॉय कर सकते हैं बड़े ही आसानी से क्विकली स्वाइप डाउन करके अपनी स्क्रीन को। और अगर हम बात करते हैं नए फीचर की जो कि काफी अच्छा है और ये अब के बार ध्यान में दिया है एंड्रॉइड 11 के अंदर, और ये है एरोप्लेन मोड डजंट किल ब्लूटूथ, यानी कि जब भी हम एरोप्लेन मोड को पहले ऑन करते थे एंड्रॉइड 10 के अंदर, तो जो ब्लूटूथ होता था वो भी टर्न ऑफ हो जाता था, लेकिन ऐसा अब हमें देखने को नहीं मिलेगा एंड्रॉइड 11 के साथ में, यानी कि एरोप्लेन मोड को ऑन करने के बाद भी हम इंजॉय कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को या फिर अपने ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स को, यानी कि ब्लूटूथ ऑफ नहीं होने वाली है एरोप्लेन मोड ऑन होने के बाद भी। और जो हमें अगला नया फीचर देखने को मिल रहा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी फ्यूचरिस्टिक है, और वो है मोशन सेंस ऑप्शन, जो कि हमें पिक्सल 4 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि बिना स्क्रीन को टच किए सिर्फ मोशन से ही, यानी कि हम हवा के अंदर ही टैप करके प्ले पॉज कर सकते हैं अपने म्यूजिक को, और ये फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं अगले नए फीचर की, तो वो हमें देखने को मिलेगा ऐप पिन शेयर मेन्यू के अंदर, यानी कि शेयर मेन्यू के अंदर जो मोस्टली यूज ऐप है उसको भी पिन किया जाएगा, और ये काफी इंटरेस्टिंग और नया फीचर देखने को हमें मिलेगा इसी एंड्रॉइड 11 के साथ में, यानी कि शेयर शीट के अंदर हमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऐप को भी पिन करने का ऑप्शन अब से देखने को मिलेगा। और इसी फीचर को पहले भी एंड्रॉइड 10 के अंदर दिया गया था, फिर इसे रिमूव किया गया था, लेकिन अब ये हमें एंड्रॉइड 10 के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें ऐप पिनिंग देखने को मिल सकती है होम स्क्रीन के ऊपर भी, यानी कि होम स्क्रीन के ऊपर भी हम ऐप को पिन कर सकते हैं जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं नए फीचर की, तो ये हमें देखने को मिलेगा कंटेस्ट अवेयर डार्क मोड, यानी कि टाइमिंग के हिसाब से हमें डार्क मोड देखने को मिलेगा, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिला था स्टॉक एंड्रॉइड और प्योर एंड्रॉइड के अंदर, यानी कि कुछ यूआई इनेबल्ड स्मार्टफोन्स के अंदर जिनके अंदर हमें खुद के यूआई देखने को मिलते हैं उनके अंदर हमें पहले ये फीचर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब से हमें ये नेटिवली भी देखने को मिलेगा, यानी कि हम अपने टाइम से एडजस्ट कर सकते हैं डार्क मोड को। और अगर हम बात करते हैं अगले नए फीचर की जो कि हमें देखने को मिलेगा इसी एंड्रॉइड 11 के अंदर, तो वो हमें मल्टी कलर्ड क्विक सेटिंग आइकन्स देखने को मिलेंगे, जो कि दिखने के अंदर काफी अच्छा और काफी कलरफुल होने वाला है। और इसके अलावा हमें होम स्क्रीन सजेशंस भी देखने को मिलेंगे इसी एंड्रॉइड 11 के साथ में। और अगर हम सबसे एंड में बात करते हैं कि क्या हमें इस टाइम पे इंस्टॉल करना चाहिए या फिर चेक करना चाहिए एंड्रॉइड 11 को, तो फिलहाल ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हमें एंड्रॉइड 11 के अंदर काफी सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में जो नए नए फीचर्स हैं वो काफी लोगों के सामने आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फेस कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर को और नोटिफिकेशन हिस्ट्री को, यानी कि कई सारे नए फीचर्स कुछ लोगों के ही सामने आ रहे हैं, ये हमें हर किसी के सामने देखने को नहीं मिल रहे हैं।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और पता लगा होगा कि इसी नए एंड्रॉइड 11 के अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।